मॉर्निंग इज गुड हुई पापा जी। वो तो बाद में हुई, पहले ये बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। अंतिम इच्छा? हाँ, वही अंतिम इच्छा जो हर मरने वाले से उसके मरने से पहले पूछी जाती है। इसका मतलब हम मरने वाला हुई? हाँ। नहीं। क्या नहीं, मरने वाली तो तू भी है। ये आप क्या कह रहे पापा जी? शोभा तुम भूलेंगे लेकिन पापा जी सब याद रखेंगे, रिमेम्बर से। वो याद है हम दोनों कस्बे खाएंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। आप भी क्या मामा, इतनी रोमांटिक बात आप इतने रोते हुए कह रहे हैं। क्योंकि बात रोमांस की नहीं, ट्रेजेडी की है। ट्रेजेडी? कैसी ट्रेजेडी? इससे बढ़कर ट्रेजेडी और क्या हो सकती है कि मैं मरने वाला हूँ। की अनाप शनाप बकरे हो जी तुसी, अभी तक तो आप हम दोनों के मरने की बात कर रहे थे। वही बात करते करते मैनु ख्याल आया कि मुझे अपने मरने का गम नहीं, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि मेरे मरने पर कोई रोने वाला नहीं होगा। मैं क्या जी, सवेरे सवेरे तुसी बोतल तो नहीं खोल लेती? खोली तो नहीं, लेकिन अब खोल लेते हैं। अब दिन ही कितने बचे हैं, बाकी के बचे खुचे दिन हंसते खेलते गुजर जाएंगे नशे में। वाह पापा जी वाह, क्या बहाना ढूंढा विस्की पीने का। वाह, बहाना नहीं पुत्र, सच्चाई है। और ये सच्चाई उसने लिखी है जिसका नाम मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकते आप उसका नाम पापा जी? वो पुत्र उसका नाम लेना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट। उसका नाम है वही फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्रादामस, जिसने कई साल की भविष्यवाणी कर रखी है। हाँ, जो कुछ हद तक सही भी निकली है। हैं? ए कौन है? नासा तो मासा, जिन्हें तुम सब जानते हो, मैं नहीं जानती। वो इन सब का मामा है। चलिए, इसीलिए कहता हूँ कि रोज अखबार पढ़ा कर। ये पढ़, हेडलाइन लिखा है, द वर्ल्ड विल एंड इन द ईयर ऑफ 1999 प्रेडिक्टेड बाय लोस्ट्रा, वो बूढ़ा। मैंने भी तो समझाओ ना। मतलब ये हुआ बीजी कि नॉस्ट्रेडामस के मुताबिक इस साल के खत्म होते होते दुनिया का अंत हो जाएगा। दुनिया का अंत? तेरा मतलब बाढ़ आएगी, प्रलय होगा? नहीं बीजी, वॉर होगी, वॉर, तीसरा महायुद्ध। और आज की वॉर में तो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बम फटेंगे, बम। बम तो हमारे पास भी है। तेरे पास कहाँ से आया बम? क्यों, पोखरण में जो हुआ वो भूल गए पापा जी? हाँ, आजकल तो तकरीबन हर देश के पास परमाणु शक्ति है, ऐसे में अगर जंग हुई तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं नहीं मानती। आपके मानने ना मानने से क्या होगा बीजी, अगर नॉस्ट्रेडामस ये कह गया है तो ये होकर रहेगा। बिल्कुल, उसने कहा था कि लंदन में भयानक आग लगेगी, लगी। हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या होगी, हुई। अर्थक्वेक्स आएंगे, फैमिन्स होंगे, आतंकवाद बढ़ेगा। बीजी, उसने जो जो कहा था ना वो सब हो रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस साल दुनिया का अंत हो जाएगा। इसलिए आप बोलेंगे हम मरेंगे। तू क्या, शोभा, नम्रता, तेरी बीजी, बल्कि मैं भी सब मर जाएंगे। हाय ओ रब्बा, कौन देगा मेरी अर्थी को कंधा, कौन करेगा मेरा क्रियाक्रम, मेरी आत्मा तो भटकती रह जाएगी। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। अच्छा वो पापा जी, आपने हमारा भविष्य बता दिया, अब हमने हमारा फैसला बदल दिया है। कैसा फैसला? अब हम सब्जी लाने नहीं जाएंगे। अब मेरा फैसला तो ऑटोमेटिकली हो गया, अब मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। मरे तुम्हारे दुश्मन, अब तो अपने भाई को कहा राई बीच में। पापा जी, मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं तो खा पी के मरूंगा, मजे करूंगा, वो सब करूंगा जो आज तक मैं बस करने की सोचता रहा लेकिन कभी नहीं कर सका। लेट नाइट्स, पार्टीज, डिस्कोस, गर्लफ्रेंड्स, एंजॉय करूंगा। और पढ़ाई? वो तो मैंने छोड़ दी। नीरज, नीरज तू सचमुच पढ़ाई छोड़ रहा है क्या? और क्या, अरे फायदा क्या इतनी रगड़ पट्टी करने का। देख, एग्जाम्स होंगे मार्च 2000 में, उससे पहले तो वर्ल्ड फिनिश हो जाएगी एंड ऑफ 99 में, तो तू ही बता मैं क्यों अपनी लाइफ वेस्ट करूं पढ़ाई में। सही कह रहा है तू, मैं भी छोड़ दूंगी। वेरी गुड, मैं तो कहता हूं ला अपनी किताबें और पटक दे उस कोने में और छोड़ दो पढ़ाई। पढ़ाई क्या, मैं तो ये संसार ही छोड़ दूंगी। आप डर कहे गए रिया बीबी, हम तो हमारी चवन्नी ढूंढ रहे थे। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी, मैं डर के मारे मर जाती तो। हाय, अभी तो वही प्रार्थना कर रहे थे, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन हम अभी मरना नहीं चाहते। पहले हमारे हार के पैसे जमा हो जाए, फिर राजू हमें हार ला दे, फिर हमारी शादी हो जाए और फिर चाहे हम मर जाए। वो तो जब होगा तब होगा, तू पहले जाकर दरवाजा खोल दे। नहीं नहीं, दरवाजा हम नहीं खोलेंगे, वैसे ही दुनिया का अंत होने वाला है, जो भी बाहर खड़ा होगा उसका भी अंत हो जाएगा वहीं खड़े खड़े। ये भी ठीक है, चल तू मेरा भजन ही सुन ले। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है हम दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा क्यों नहीं खोलता कोई, मर गए क्या सब नाश्ता के चेले? वो आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। अरे कब से बेल बज रही, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अंत निकट आ चुका है। वो तो हमें पता है, लेकिन तू है कौन? नॉस्ट्रादामस।
डैम, नेकटाई डैम, नाश्ता डैम, नोस्ट्राडामस, नोस्ट्राडामस। हाँ हाँ भाई, नाश्ता। भाई नाश्ता, तेरा इतना डिफिकल्ट नाम क्यों रखा तेरे माँ बाप ने? उस जमाने में ऐसे ही नाम रखा करते थे। किस जमाने में? उस जमाने में यानी मेरे जमाने में, इन द ईयर 1503, यानी 500 साल पहले। इतना बुरा तो नहीं लगता? आप इतने बेवकूफ भी नहीं लगते? वो सीधी सी बात आप समझ नहीं पा रहे हो, ये मेरा पुनर्जन्म है, मेरा ये सातवां पुनर्जन्म है। हाय हाय, पुनर्जन्म, द री इंकार्नेशन। इसके लिए पुनर्जन्म ही ठीक रहेगा। भाई नाश्ता, तू ये बता कि ये पुनर्जन्म का चक्र क्या है? उस जमाने में मैंने देखा था, उस जमाने में, कि एक ऐसा जमाना भी आएगा कि जब सब इस तरीके से लाइन में खड़े होंगे। मैं बैठ के बताऊं? हाँ बैठ। चक्कर में तो पूरी दुनिया है, काल का पहिया तो घूमता ही रहता है। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। ये क्या है? इसी तरह चार चार लाइनें में लिखता रहता था। हाँ, क्वात्रे। हाँ, वही 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 वही। लेकिन अब काल का ये पहिया थम जाने वाला है, समय रुक जाने वाला है, कांप उठेगी पृथ्वी सारी, वर्षा होगी खून की, मिट्टी खाएंगे प्राणी। ये तो 5 लाइनें हो गई। खैर, पहले मैं अपना काम तो कर दूं। हाँ, कौन सा काम पापा जी? इसकी नकली दाढ़ी खींचकर उतारने का। जानता था, मैंने उस जन्म में देखा था, उस जन्म में, कि इसी महीने की इसी तारीख को इसी जगह मैं आऊंगा, और इसी महीने की इसी तारीख को इसी जगह आप मेरी दाढ़ी खींचेंगे। मैं तैयार हूं, क्योंकि बढ़ती का नाम दाढ़ी, चलती का नाम गाड़ी, चढ़ती का नाम ताड़ी, और उतरती का नाम साड़ी। खींचो खींचो। साड़ी? दाढ़ी दाढ़ी। हाँ, वो तो मैं खींचूंगा ही। ये तो असली है। बिल्कुल असली, उसी तरह जिस तरह मैं असली हूँ। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अरे बब्बे, बंद कर अपनी नौटंकी और बता क्यों आया थे? मुझे यहाँ आना पड़ा, इसीलिए तो मैं यहाँ आया। यहाँ आने के लिए मैंने सातवां जन्म पाया, अपनी भविष्यवाणी को मैंने इसी तरह अपनाया, तेरा मेरा हम सबका अंतिम समय आया। बट द होल थिंग इज दैट, कि हम कैसे मानेंगे कि आप ही होंगे वो, क्या नेक्स्ट्रॉस्डेमस? ये कौन सी भाषा बोल रहा है? ये इंग्लिश में बोला है, इंग्लिश में। लेकिन आप तो फ्रांस से हो ना, आपको फ्रेंच आती है? तुम्हें आती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप बोलिए, फ्रेंच में बोलिए। कमो वो जपले वो जो मापेल नम्रता वो जू मैडम तो जू मुसिया वो ले वो मकोनेट वी मैडम वो जेट यून बेलफाम मर्सी बो सिल्वो प्ले टू वे वो मदोने एमवेर दो वी बियां सियो। शोभा, जरा नॉस्ट्राडामस जी के लिए एक ग्लास पानी लाना जी, और मेरे वास्ते ले आ बाल्टी भर के। क्यों, आप यहां स्नान करेंगे? नहीं वे, बाल्टी भर पानी में अपने सर पे डालूंगा, ताकि मेरा ये अजीब और गरीब सपना टूट जाए। ये सपना नहीं, हकीकत। और हकीकत तो ये है कि सपने तो मैं देखा करता था, अजीब और गरीब सपने, भयंकर सपने, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400-500 साल बाद होने वाली घटनाओं के सपने। लेकिन बाबे, कैसे देखता था? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जो देखा सो सो हुआ। तो क्या वर्ल्ड एंड हो जाएगा इस मिलेनियम के एंड तक? मैंने तो ऐसे ही देखा था। नहीं, अब आप पर्सनली यहाँ आ गए तो मैंने सोचा कंफर्म कर लूँ। मैंने पढ़ाई तो छोड़ रखी है। और मैंने छोड़ रखा है ये संसार। हटिए हटिए हटिए, जरा ये लीजिए पानी। देखिए, हमने हमारा हार नहीं छोड़ा है। आप तनिक हमका ये बताइए कि राजू हमें हार कब ला के देगा? ये राजू कौन? हम वही, हम। अब मैं समझा, सफेद कपड़े, हरे रंग का झोला, झोले में खजाना, और खजाने पर तुम्हारा हाथ, और चेहरे पर चोर सी घबराहट। चोर? इसका मतलब हम पकड़े जाएं? नहीं, वो मैंने सपने में नहीं देखा। लेकिन मैंने जो सपने में देखा है ना, वो मैंने साफ नजर आ रहा है कि किस तरह तेनु में करो बाहर कढ़ेंगे। क्यों क्यों? क्योंकि मैनु पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। है? इसका मतलब है तेरी वो सात जन्म का साधन बनाने वाली कसमें झूठी थी। इसका मतलब है कि आपको मुझ पर विश्वास है। ये मैं तुझे रात को कन्फर्म करके बताऊंगा। The whole thing is that, मैं जानना चाहता हूँ कि वो बंदा जो अंदर अपने झोले का तकिया बनाकर सोया हुआ है, वो कौन है? अगर तो वो सचमुच नाश्ता का पुनर्जन्म है, तो उसने जो कुछ भी कहा है वो होकर रहेगा।
उसका सपना सच होगा, तू चोरी करेगा तेरा हार पाने का सपना सच होगा, तेरी शोभा से शादी होगी, शादी होगी जेल में। ये तो कैसे कह सकता है, ये तो नाश्ता भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसने देखा नहीं तू पकड़ा गया कि नहीं। और यही सस्पेंस मुझे खाए जा रहा है, कितने सवाल उमड़ रहे हैं मेरे चंचल मन में कि वो नाश्ता है कि नहीं, उसका सपना सच होगा कि नहीं, तेरा सपना सच होगा कि नहीं, तू पकड़ा जाएगा कि नहीं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा कि नहीं। इतने सारे सवालों का एक जवाब है और वो है तू। नहीं, नहीं। सोच ले, अगर शोभा को पता चल गया कि हार के लिए पैसे पाने का मौका था, तूने कुछ नहीं किया, तो मेरी भविष्यवाणी कहती है कि तेरी लव स्टोरी का अभी अंत हो जाएगा। नहीं। हाँ, तूने हाँ कर दी। हाँ? चल फिर। जा, आप भी चलेंगे? नहीं, भविष्य को बदलने की कोशिश मत कर, नाश्ता के मुताबिक ये तेरा भविष्य है, अगर तेरे भविष्य के साथ मेरा वर्तमान मिक्स हो गया तो नाश्ता का भूत कंफ्यूज हो जाएगा। वो नहीं, वो भूत नहीं, भूतकाल। जा, बुलाओ फूफी को। नहीं, जा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रहा हूँ। हाँ कह रहे हो जी, तुसी तो जाग रहे हो। मैं वो सो रहा है ना, नाश्ता शोर का मचा रही है, वो जाग गया तो। जाग गया तो देखेगा, उसका झोला तुम्हारे कोल है और आपने कपड़े भी सफेद पाए हैं। नहीं नहीं, उसका झोला मेरे कोल नहीं। मेरे कोल भी नहीं है। नहीं, मेरे कोल नहीं, मेरे कोल नहीं। और किरण देख तो रहे, झोले में है क्या? हाँ ये भी ठीक है। गीता, बाइबल, कुरान, ये है इसका खजाना। इतनी सारी ज्ञान दी किताबें, और वो भी 400-500 साल पुरानी। इसका मतलब है हमारा नाश्ता बड़ी पहुंची हुई चीज है। आहो जी, देखो देखो उसके चेहरे पे कितनी शांति है ना। इसका नाम तो शांताराम होना चाहिए था, वो इसलिए कि ये नाम मुझे लेना आता है। इसे देखकर लगता है कि इसे दुनिया से कोई शिकायत नहीं, सब कुछ पा लिया इसने, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं, नहीं। मेरा झोला कहीं नजर, अरे ये तो आपके पास है। हाँ पुत्र नाश्ता, मैंने तेरी ज्ञान की सारी किताबें पढ़ ली। वाह, एक ही झोले में गीता, बाइबल, कुरान, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे एक ही देश में सब धर्मों के इंसान। पिछले 7 जन्मों से मैं ये किताबें पढ़ता आया हूँ। ये तो सचमुच एक खजाना है, ज्ञान का खजाना। एक खजाना मैंने भी दिया है दुनिया को, भविष्यवाणी का खजाना। लेकिन कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त किसी को वो नजर नहीं आ रहा था जो मुझे दिखाई देता था। लेकिन कोई मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। 400-500 साल के बाद इराक और ईरान के बीच युद्ध होगा, अमेरिका में भूकंप आएगा, मैं आपसे मिलूंगा। कोई आपको पहचानता नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि आपकी शक्ल कैसी होगी, आप क्या हैं, कैसे विश्वास करते लोग। आई नो, कोई विश्वास कर ही नहीं सकता कि मुझ जैसा अनोखा पीस इस दुनिया में आएगा। लोग तो तुझे उस समय पागल समझते होंगे ना। अरे अब भी पागल समझते, इसीलिए तो मुझे पागल खाने में बंद कर रखा था, वहीं से तो भाग कर आया हूं मैं। पागल खाने से भागा हुआ ये मानसिक रोगी अपने आप को नॉस्ट्रादामस समझता है, और वो हमेशा नॉस्ट्रादामस के ही कपड़े पहने रहता है। यदि आपको इसके बारे में कोई सूचना हो तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें, 636-2429। मैं पागल खाने फोन करती हूँ। नहीं नहीं, तू पागल थोड़े है, अब तो साबित हो चुका है कि तू पागल नहीं है। लेकिन मेरी तुझसे एक रिक्वेस्ट है, जिंदगी और मौत का फलसफा जो तुझे इन किताबों से मिला है वो मेरी फैमिली को मिले, तेरी जबान से। हाँ क्यों नहीं, चलिए। नाश्ता भाई, तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहती, इधर आओ, तुसी साड़ी गल सुनो। तुहाड़ी गल तो मैं रोज सुनता है, आज तुम नाश्ता की गल सुनो। लेकिन पापा जी, हमने अभी भी टीवी पर देखा। तो टीवी को छोड़, लाइव शो देख, ये इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि मैं तो हिल गया। हिले हुए तो हम सब हैं। ओ पुत्र, तुम तो उस डर से हिले हो कि नाश्ता की भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया का अंत होने वाला है। अब तुम उसी नाश्ता की 7वें अवतार की वाणी सुनो और सीखो कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। बोल नाश्ता बोल। आ गए। कौन? फ्रॉम पागल खाने से, डॉक्टर। क्यों? इस पागल को लेने। क्या? नहीं नहीं,
मैं पागल हूं। ये लोग मुझे लेने आए हैं, इसलिए मुझे जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जाने से पहले मैं अपने साथियों से कुछ बातें करना चाहता हूं। बेटे, तुमने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि तुमने सोचा कि अब तो दुनिया का अंत होने वाला है, पढ़ने से क्या फायदा? बेटे, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि दुनिया का अंत होने से पहले मैं कुछ और ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लूं? और तुम सफेद पोशाक वाले, सजा मिलने से पहले ही दुनिया खत्म हो जाएगी यह सोचकर तुमने अपनी साफ सुथरी जिंदगी पर चोरी का धब्बा लगा दिया। और तुम बेटी, आंखें मूंद कर चार लाइनें क्या गाली, तुम्हें ऐसा लगा कि मुक्ति मिल गई? अरे पगली, ईश्वर ने सुंदर दुनिया का निर्माण किया है तुम्हारे लिए, उससे मुंह मोड़कर ईश्वर के इस निर्माण का तुम अपमान करना चाहती हो? बेटी, जब तक सांस है तब तक जिंदगी है, और जब तक जिंदगी है जीना तो होगा ही। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या हाथ जिया करते। इस दुनिया का अंत चाहे हो ना हो, मरना तो एक दिन सभी को है। लेकिन इतना ध्यान रखना बेटे कि वक्त से पहले ना आज तक किसी को मौत आई है और ना ही कभी आएगी, तो मौत से पहले हम जीना क्यों छोड़ दें? अरे जियो, खुशी से जियो और खुशियां बांटो, बस बस यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। चलो ले चलो मुझे। नहीं नहीं, मत ले जाओ इसे। ये पागल नहीं है, इन्होंने तो जिंदगी की सच्चाई बताई है मुझे। जो इंसान ईश्वर की सृष्टि को इतनी अच्छी तरह से समझता हो वो पागल कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो महान ज्ञानी है। नहीं नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। पागल, कुछ भी ज्ञान नहीं है मुझे, ना ही मुझे दंगा फसाद कराना आता है और ना ही मजहब के नाम पर देश का सत्यानाश कराना। बेईमानी और रिश्वत जैसे शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, और ना ही परमाणु शक्ति। मैं पागल नहीं तो और क्या हूं? चलो चलो ले चलो मुझे। ठहरो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यही नजारा देखा था मैंने सन 1860 में। डॉक्टर मुझे ले जाने के लिए आएंगे और आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर मुझे खींचेंगे। अरे खींचो ना। लेकिन मैं अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश नहीं करूंगा, और मुझे पागल खाने ले जाएंगे, पागल खाने। सचमुच ले गए? इसका मतलब है नाश्ता की ये भविष्यवाणी भी सही निकली, मतलब दुनिया का अंत टल सकता है। इंसान ही इसी आपत्ति को टाल सकता है, बशर्ते इंसान इंसान की तरह जीना सीखे, जमीन के झगड़े छोड़ दे, धर्म को अपने जीने की राह बनाए, किंतु सियासत में उसका इस्तेमाल न करे, और इस परिवार की तरह दुनिया के सभी लोग प्यार और मोहब्बत की हदें पार कर दे।